तस्वीरों में आप घुड़सवार पुलिस देख रहे हैं, ये मुंगेर की तस्वीर है। मुंगेर में आज चुनाव था। जैसा कि आप सभी जानते हैं, चौथे चरण में 5 लोकसभा सीटों पर चुनाव था, जिसमें मुंगेर भी था, और मुंगेर में दोनों ही पक्ष अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। एनडीए की तरफ से जेडीयू के प्रत्याशी ललन सिंह जहां जीत का दावा कर रहे हैं, वहीं नीलम देवी ने भी अपनी जीत का दावा किया। सुनिए क्या कह रहे हैं। शांतिपूर्वक लोकतंत्र है और अपना पद। अब आपको बता दें कि अपना मत डालने एक तरफ जहां निकले अनंत सिंह अपने घर से, वहीं लंबी लंबी कतारों में महिलाएं और पुरुष देखे गए हैं। मुंगेर में मुंगेर का प्रतिशत भी वोट प्रतिशत बेहतर है, और इसके साथ कई तरह की घटनाएं गरजते हुए दिखाई देते रहे, जहां एक तरफ इस बात को लेकर के दावा किया जा रहा है कि कई लोगों ने किसी खास दल पर के निशान पर वोट देने के लिए जबरन किया, वहीं पुलिस पूरी तरह से सख्त नजर आई, और इस तरह की घटनाओं या किसी भी तरह का गड़बड़ करने वालों पर पूरी सख्ती से निपटी। कई जगह तो लोगों पर आपने देखा ही होगा तस्वीरों में कि पुलिस ने हल्की फुल्की बल प्रयोग भी किया। इन सब को लेकर के मिला जुला कर कहा जाए तो बिहार में 5 सीटों का चुनाव शांतिपूर्ण गुजरा, वहीं मुंगेर की जनता ने अच्छा खासा वोट करके इस बात को बताया कि लोकतंत्र में उनकी आस्था है। देखने वाली बात होगी कि 23 तारीख को परिणाम किसके पक्ष में आता है। जुड़े रहिए न्यूज़ बिहार और भारत लाइव के साथ। नमस्कार। हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, ट्विटर पर फॉलो करें न्यूज़ बिहार लाइव, और साथ ही साथ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।